अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने ट्रांसफ़र ऑफ हीट की वीडियो की हुई है और कंडक्शन और कन्वेक्शन के बारे में भी आपको बताया था। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन जो है ये हीट को ट्रांसफ़र करने के ही मेथड थे और उसी को कंडक्शन और कन्वेक्शन को जब हमने देखा था तो उसमें हीट कैसे ट्रांसफ़र होती थी। कंडक्शन प्रोसेस में हमारे पास हीट ट्रांसफ़र कुछ इस तरह से होती थी कि हमारे पास अगर ये कोई सॉलिड सब्सटेंस है और इसके अंदर डेफिनेटली मॉलिक्यूल्स है या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या आप एटम कह सकते हैं, तो ये एटम्स एक दूसरे को एनर्जी देते थे। यानी जब इसको हम हीट अप करते थे तो इस वजह से क्या होता था, हीट फ्लो फ्रॉम हॉट पार्ट टू कोल्ड पार्ट, यानी गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ हीट क्या होती थी, ट्रांसफर होती थी। यानी ये मॉलिक्यूल जब हीट अप होता था तो ये अपनी मेन पोजिशन के इर्द क्या करता था, वाइब्रेट करता था और ये अपनी एनर्जी इसको देता था और उसके बाद ये इसको और इसको इस तरह से सोन आगे आगे हीट ट्रांसफर होती जाती थी। और हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कूल्ड बॉडी इन सॉलिड सब्सटेंस ड्यू टू एटम्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स और मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कंडक्शन। इसको हमने नाम दिया था कंडक्शन का प्रोसेस है। उसके बाद कन्वेक्शन में हमने देखा था, हमने एक्टिविटी भी इस पर जो है परफॉर्म करके आपको दिखाई थी कि कन्वेक्शन के केस में हमने वाटर लिया था बीकर के अंदर और नीचे इसके बर्नर लगाया था और इसके बाद जब उसको हीट अप किया था तो हमने पोटाशियम परमैंगनेट के MnO4 की जगह पे वहाँ पे चाय की पत्तियों का इस्तेमाल किया था। तो आप पोटाशियम परमैंगनेट यानी कि MnO4 का इस्तेमाल करिएगा। तो जब उसकी क्रिस्टल हम इसके अंदर डालते हैं तो जब ये गर्म होता है वाटर तो हीट अप होने की वजह से ये पानी क्या करेगा, हल्का हो जाएगा, डेंसिटी इसकी लेस डेंस हो जाएगा यानी इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी और ये वाटर ऊपर जाएगा और इसकी जगह लेने के लिए ठंडा वाटर जो होगा वो नीचे आएगा और सोन फिर ये गर्म हो जाएगा ऊपर जाएगा। इस तरह से एक प्रोसेस जारी रहता था यानी अप एंड डाउन जो है इनकी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो है वो जारी रहती थी या लेफ्ट टू राइट भी आप कह सकते हो इनकी मूवमेंट क्या रहती थी, जारी रहती थी। लेकिन ये हीट को ट्रांसफर करने का एक वे था यानी एक ही तरीकाकार है, एक ही हीट को जो है ट्रांसफर करने में हमारे लिए एक ही यानी कि इसमें पाथ था। यानी इस तरह से मॉलिक्यूल जो है वो ऊपर को जा रहे थे लेस डेंस जो थे और जो ज़्यादा डेंसिटी वाले थे वो नीचे आते थे फिर वो हीट अप होते थे गर्म होकर ऊपर जाते थे। तो इस तरह से हमने कन्वेक्शन प्रोसेस में देखा था। उसके बाद जो कंडक्शन प्रोसेस और कन्वेक्शन प्रोसेस को हमने जब पढ़ लिया तो अभी भी कंडक्शन और कन्वेक्शन प्रोसेस जो जब हमने इनको रीड कर लिया अच्छी तरह से इनको देख लिया है तो उसके बावजूद हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने से अभी भी कासर हैं, हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर अभी भी नहीं कर सकते। तो आप सबसे पहले तो ये करिएगा कि आप कंडक्शन और कन्वेक्शन की वीडियोस को लाजमी देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दूंगा क्योंकि जब आप ट्रांसफर हीट में आप कंडक्शन और कन्वेक्शन प्रोसेस को समझ लेंगे आप पढ़ लेंगे तो देन आप जो आज का हमारा टॉपिक है जिसको हम आगे चल के बताते हैं कि क्या हमारा टॉपिक है तो उसको समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी क्योंकि ये आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये थर्ड मेथड है यानी हीट को ट्रांसफर करने का ये थर्ड मेथड है कि इससे पहले दो मेथड्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो थर्ड मेथड को समझने से पहले आपको इन दो मेथड्स को समझना ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके कि अगर इन दो मेथड्स को पढ़ने के बाद भी हम हीट को ट्रांसफर करने का एक थर्ड मेथड पढ़ रहे हैं तो उसकी रीज़न क्या है, उसकी वजह क्या है। तो इसकी रीज़न जो है वो आपको मिल जाएगी जब आप इन वीडियोस को देखेंगे। तो आज के जो सबसे पहले हमारे क्वेश्चंस हैं इनको देखते हैं, क्या हम कंडक्शन और कन्वेक्शन को पढ़ने के बाद इस काबिल हो गए हैं कि हम इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएं, तो देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने यहां पे लिखा हुआ ये है, हाउ डज हीट रीचेस अस फ्रॉम सन, सूर्य से हीट हम तक कैसे पहुंचती है, क्या यह कंडक्शन प्रोसेस होता है, क्या यह कन्वेक्शन प्रोसेस होता है। अब देखिएगा जब हवा गर्म होके यानी एयर गर्म होके हल्की होके ऊपर को उठती है तो उसकी जगह लेने के लिए ठंडी एयर जो होती है वो नीचे आती है और इस तरह से वो गर्म होके ऊपर जाती है, कंटिन्यूस ये प्रोसेस सर्कुलेशन यानी जारी रहती है। अब देखिएगा अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास सूरज है और यहाँ पे अर्थ है, अब सूरज जमीन से बहुत ज़्यादा दूर है यानी ये मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे सन है हमारे पास और इस तरह से ये हमारे पास अर्थ है। अब यहाँ पे जो सन के करीब मॉलिक्यूल्स हैं अगर वो सूरज की रोशनी से गर्म भी हो जाते हैं यानी हीट अप हो जाते हैं तो ज़मीन और सूरज के दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, इतने ज़्यादा डिस्टेंस के होने की वजह से ये मॉलिक्यूल जो हैं ये ज़मीन तक हीट जो है वो नहीं पहुँचा पाएंगे अगर हम कन्वेक्शन प्रोसेस को देखें। और इसी तरह से रेडिएशन प्रोसेस में भी यही है कि अगर कंडक्शन प्रोसेस में भी यही है
कि मॉलिक्यूल्स को जब हम हीट अप करते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह, यानी ये इसको एनर्जी देंगे, आगे इस जगह को एनर्जी भेज देंगे, इसको इसको सोन, आगे आगे एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती जाती है। लेकिन कंडक्शन और कन्वेक्शन के केस में हम ये चीज देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स, एटम्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम कंडक्शन की बात करें तो हॉट प्लेस से कूल प्लेस की तरफ जो इनकी एनर्जी को ट्रांसफर करने की एक वजह थी वो यहां पे देखने को हमें नहीं मिल रही, यानी अर्थ तक जो है वो हीट हम तक नहीं पहुंचेगी। तो हमने क्वेश्चन ये किया था, हाउ डज हीट रीचेस अस फ्रॉम सन, कि सूरज से फिर हम तक हीट कैसे पहुंचती है। सन इज द बिग सोर्स ऑफ एनर्जी है, सूरज एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है, और डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि सन इज द बिग सोर्स ऑफ हीट। सूरज हरारत का भी एक बहुत बड़ा माखज है, एक आप कह लो कि बहुत बड़ा ये बाल है। तो अब सूर्य से हीट हम तक कैसे पहुंचेगी, इस क्वेश्चन का आंसर तो हम इन दो मेथड को पढ़ने के बाद भी देने से कासर हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डज नॉट द हीट फ्रॉम द सन रीचेस अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन। कंडक्शन और कन्वेक्शन को हमने पढ़ लिया, तो क्यों हीट ट्रांसफर जो है कंडक्शन और कन्वेक्शन के प्रोसेस से नहीं हो रही। इसका मैंने पहले बताया कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से ये मॉलिक्यूल जो है ये अर्थ तक हीट पहुंचाने से कासर है, ये अर्थ तक हीट को नहीं पहुंचा पाएंगे। थर्ड क्वेश्चन ये है, हाउ डज हीट रीचेस अस डायरेक्टली फ्रॉम अ फायरप्लेस। एक फायरप्लेस यानी अगर हमारे पास एक जगह पे आग है तो वहां से हम ये कह रहे हैं कि डायरेक्टली हीट जो है वो हम तक क्यों नहीं पहुंचती। तो ये तीन क्वेश्चन जो है इनके आंसर करने से हम अभी तक कासर थे, क्योंकि हमने कंडक्शन और कन्वेक्शन मेथड ऑलरेडी रीड कर चुके थे, हम कंडक्शन और कन्वेक्शन की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, और इनको पढ़ने के बाद भी हम इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पा रहे। तो इसीलिए हमें ट्रांसफर ऑफ हीट का थर्ड मेथड यानी तीसरा तरीका जो है वो आज पढ़ना पड़ रहा है, जिसका नाम है रेडिएशन। अब रेडिएशन बेसिकली होता क्या है, इसको डिफाइन करता हूं, देन मैं आपको इन क्वेश्चंस के आंसर भी वीडियो में देना चाहूंगा, और इनके क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे। तो रेडिएशन जो है ये एक कैसा प्रोसेस है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उन वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। बेसिकली हीट को ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह वेव की सूरत में, वेव की फॉर्म में, यह कहलाता है रेडिएशन का प्रोसेस। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली कौन सी होती है, द वेव विच डू नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। ऐसी वेव जिनके गुजरने के लिए किसी मटेरियल, किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, उनको हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और बेसिकली रेडिएशन जो है यानी मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड रेडिएशन प्रोसेस, हम इसको नाम दे रहे हैं। तो वेव की सूरत में जब हीट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है तो इसको हम बोलते हैं कि रेडिएशन प्रोसेस है। अब सूरज और अर्थ के दरमियान अगर देखें तो बहुत ज्यादा जो है वो गैप है, और फिर उसके बाद यानी ये एटमॉस्फेयर एक है, उसके बाद वैक्यूम आता है, तो काफी ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से कंडक्शन और कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू हीट हम तक नहीं पहुंच सकती। तो इसलिए जो पहला क्वेश्चन था, हाउ डज हीट रीचेस अस फ्रॉम सन, तो सन से रोशनी हम तक कैसे पहुंचती है, तो सूरज से हम तक रोशनी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव पहुंचती है, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड था, व्हाई डज नॉट द हीट फ्रॉम द सन रीचेस अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन। कंडक्शन और कन्वेक्शन प्रोसेस में हमने देखा था कि यहां पे एटम, मॉलिक्यूल्स या फ्री इलेक्ट्रॉन जो है उनकी वाइब्रेशन से हीट आगे ट्रांसफर होती थी, और कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल जो होते थे वो क्या करते थे, जब एयर को गर्म किया जाता था तो गर्म होने से यानी कि वो ऊपर को उठती थी लेस डेंस होने के वजह से, और उसकी जगह लेने के लिए ठंडी एयर आती थी, सो वो इस तरह से एक प्रोसेस जारी रहता था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वैक्यूम भी है दरमियान में, और इतना ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतनी डिस्टेंस तक जो है वो हीट को नहीं पहुंचा पाएंगे, तो इसलिए कंडक्शन और कन्वेक्शन प्रोसेस जो कि कंडक्शन प्रोसेस सॉलिड में होता है और कन्वेक्शन लिक्विड और गैसेस में, या अगर इनको कलेक्टिवली हम बोले तो ये फ्लूइड हम बोल सकते हैं, तो इनमें कन्वेक्शन प्रोसेस होता है फ्लूइड के अंदर, जबकि सॉलिड के अंदर कंडक्शन का प्रोसेस होता था। तो आज जो हम रेडिएशन का प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो इसमें हम आपको बता रहे हैं कि वेव की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वेव, हीट एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफर होती है। वेव कुछ यहां पे हमने बनाई भी है, आप इनको देखिएगा जरा कि ये हमारे पास वेव है, और इसमें हमारे पास जो अपर इसका पोर्शन होता है इसको हम क्रेस्ट का नाम देते हैं, और इसका जो लोअर पोर्शन होता है
इसको हम ट्रफ का नाम देते हैं, ये ट्रफ होता है। इसी तरह से जब एक क्रस्ट और ट्रफ मिलते हैं, यानी इस तरह से एक क्रस्ट एक ट्रफ मिलते हैं, तो एक वेव हमारे पास जो बन जाती है। अब वेव की जो वेवलेंथ होती है बेसिकली वो कंजेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान फासला होता है। जैसे लाइक यहां पे देखिएगा, ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, इनके दरमियान फासला जो है, डिस्टेंस जो है, इसको हम बोलते हैं कि वेवलेंथ है। और यहां पे वेव की वेवलेंथ 1 मिलीमीटर हम आपको दिखा रहे हैं, और इस तरह से ये लार्जर वेवलेंथ है, इंफ्रारेड है, इनविजिबल रीजन है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो 700 नैनोमीटर हमारे पास आ रहा है, तो ये देखिएगा वेवलेंथ शॉर्ट होगी, यहां पे लाइट है, ये विजिबल रीजन हमारे पास आ रहा है। और याद रखिएगा कि हम जो आप देखते हैं कि कुछ चीजें हमें दिखाई देती हैं और कुछ चीजें हमें दिखाई नहीं देती, तो इसकी रीजन ये होती है कि आमतौर पर इंसानी आंख जो है वो 350 to 750 के दरमियान, जिन चीजों की वेवलेंथ 350 to 750 के दरमियान होती है उनको देख सकती है, और जिनकी वेवलेंथ 350 से कम होती है या 750 से ग्रेटर होती है उनको देख नहीं सकती, क्योंकि हमारी आंख जो है वो एक मखसूस वेवलेंथ की चीजों को ही देख सकती है। या आप ऐसे भी कह सकते हो 300 टू 700 भी आप बोल सकते हैं। अब जिनकी वेवलेंथ 300 या जो 750 या 700 से ग्रेटर होती है वो हमें इसलिए नजर नहीं आती क्योंकि उनकी वेवलेंथ 750 से ग्रेटर होने का मतलब यह है कि उनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा लार्ज है, जिस वजह से हमारी आंख उनको डिटेक्ट नहीं कर सकती। आप उन चीजों को आप देख नहीं सकते जिनकी वेवलेंथ इतनी ज्यादा होती है, और इस तरह से जिनकी वेवलेंथ कम होती है उन चीजों को भी हम नहीं देख सकते। और यहां पे मैं दिखा रहा था वेव के बारे में, आपको बता रहा था कि दो क्रस्ट के दरमियान जो फासला होता है, कंजेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट जो होगा उसको बोलेंगे वेवलेंथ। इसी तरह से दो ट्रफ के दरमियान, जस्ट लाइक जैसे यहां पे ट्रफ है, ये ट्रफ है, तो दो ट्रफ के दरमियान फासला भी वेवलेंथ कहलाता है। और ये देखिएगा वेवलेंथ लार्जर है, फिर ऐसा ऐसा वेवलेंथ शॉर्ट हो गई है, और 700 नैनोमीटर यहां पे वेवलेंथ आपको हमने दिखाई हुई है। तो ये लाइट यानी कि विजिबल रीजन, और इसके बाद इंफ्रारेड यानी कि इनविजिबल रीजन हमारे पास आ रहा है। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे रेडिएशन की, कि रेडिएशन जो है ये बेसिकली मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वेव है। और जैसे ही हम आपको वेव दिखा रहे थे कि वेव की सूरत में हीट जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफर होती है। तो अब हम आपको इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, व्हाई डज नॉट द हीट फ्रॉम द सन रीचेस अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन। अब देखिएगा जरा कि कंडक्शन और कन्वेक्शन प्रोसेस जो होते हैं इसमें हमें मटेरियल चाहिए होता है, हमें मीडियम चाहिए होता है हीट को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, लेकिन हमारे पास स्पेस के अंदर कोई मीडियम नहीं है। तो जब स्पेस में कोई मटेरियल मीडियम नहीं है तो इसका मतलब कंडक्शन और कन्वेक्शन प्रोसेस से हम हीट को जो है वो सूरज से जमीन तक नहीं भेज सकते। तो इसलिए हम इसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि ऐसी वेव जिनके लिए कोई मीडियम मटेरियल नहीं चाहिए होता उनका इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हीट रीचेज अप फ्रॉम सम टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ वेव, यानी वेव की फॉर्म में हीट ट्रांसफर होती है, हम तक पहुंचती है, और ये प्रोसेस जो है वो आपको बताया कि रेडिएशन प्रोसेस जो है वो कहलाता है। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन प्रोसेस में हमने देखा था कि हीट जो है वो एक ही डायरेक्शन में जाती थी, लेकिन रेडिएशन का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट चारों तरफ जाती है, यानी हमने हीट को ऑल डायरेक्शन में भेजना होता है। अब एक तरफ तो हमने हीट को भेजना नहीं है, हमने हीट को चारों ओर भेजना है, तो इसके लिए हमें रेडिएशन का प्रोसेस पढ़ना पड़ रहा है। और इसकी एग्जांपल एक हम दे सकते हैं कि ये फायरप्लेस है, यानी एक अंगीठी हमारे पास है, तो आप डेफिनेटली इस पे जो है आग तापते होंगे। तो आपने अक्सर देखा होगा कि ये हीट जो है इधर भी आ रही होती है, इस साइड पर भी आ रही होती है, इस साइड पर भी आ रही होती है, तमाम अतराफ की तरफ आ रही होती है। अब इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है? अगर हम कन्वेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कन्वेक्शन प्रोसेस में तो ये होगा कि जो एयर इसके ऊपर होगी, अब वो एयर आपको पता है कि ये एक प्योर कंडक्टर है, एक नाकस कंडक्टर है ऑफ हीट का। तो जब एयर यहां पे इसके मॉलिक्यूल हीट अप होंगे तो हीट अप होने से ही गर्म हवा ऊपर उठ जाएगी और इसकी जगह लेने के लिए इधर से ठंडी हवा यानी दूसरी साइड से ठंडी हवा जो है वो इस साइड पे आएगी, एयर के मॉलिक्यूल्स यहां पे आ जाएंगे, अब वो गर्म होकर ऊपर उठेंगे। तो इसका मतलब कि जो एयर गर्म हुई थी, लेस डेंस हुई थी, ऊपर उठ गई, और उसकी जगह जब ठंडी एयर ने यानी जो कोल्ड एयर थी उसने आके ली थी, तो इसका मतलब ये होगा कि वो फिर से क्या हो जाएंगे, हीट अप हो जाएंगे, और इधर जो
ठंडे एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे तो हीट उनकी तरफ भी क्या होना शुरू हो जाएगी, ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी। यानी ही इसका मतलब ये होगा कि हीट इस तरफ को भी ट्रांसफर हो रही है, इस तरफ को भी ट्रांसफर हो रही है और इस तरफ को भी ट्रांसफर हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हीट जो ट्रांसफर हो रही है ये कन्वेक्शन और रेडिएशन दोनों दोनों मेथड से ट्रांसफर हो रही है। जब आप एक अंगीठी जो होती है आप घर में कमरे में आप रख लेते हो तो तमाम लोग जो इसे यानी आपका कमरा पूरा का पूरा जो इसे गर्म हो रहा होता है तो इसकी रीजन यह है कि इसमें रेडिएशन प्रोसेस भी हो रहा होता है और कन्वेक्शन प्रोसेस भी हो रहा होता है। तो दोनों मेथड्स के थ्रू यानी हीट जो है वो पूरे कमरे को जो है वो गर्म रखती है और तमाम डायरेक्शन की तरफ जा रही होती है। अगर आप इस तरह से एक शीट ऑफ पेपर या आप एक बुक लगा लें, कार्डबोर्ड लगा लें, वो आप एक हीट का पाथ जो है उसके रास्ते में इस तरह से रख देते हैं तो इससे क्या होगा कि रेडिएशन स्टॉप हो जाएंगी, दिस वेव टू रीच अस हम तक पहुंचने से इसको क्या रोक सकती हैं, ये रोक सकती हैं। यानी ये हीट मेरे तक जो पहुंच रही थी अगर इसके रास्ते में मैं इस तरह से कोई बुक रख देता हूँ, कोई कागज जो है यानी पेपर जो रख देता हूँ या कार्डबोर्ड की रख देता हूँ तो हीट हम तक नहीं पहुंचती। अब रेडिएशन जो होती हैं वो तमाम बॉडीज जो हैं वो रेडिएशन को इमिट करती हैं, यानी तमाम बॉडीज जो होती हैं वो रेडिएशन खारिज कर रही होती हैं। इस तरह से आपने देखा होगा अगर एक रूम के अंदर बहुत से स्टूडेंट्स इकट्ठे बैठे हों तो उनकी बॉडी से रेडिएशन निकल रही होती हैं, रेडिएशन के निकलने की वजह से रूम में बहुत ज़्यादा हबस हो जाती है। तो अब अगर एक छोटा रूम है उसके अंदर बहुत से लोग आ गए तो डेफिनेटली बहुत सारे रेडिएशन जो है वो इमिट हो रही हैं, तो बहुत ज़्यादा रेडिएशन के इमिट होने की वजह से हबस हो जाती है। तो मैं बात ये कर रहा था कि तमाम अजसाम जो होते हैं, तमाम बॉडीज जो होती हैं वो रेडिएशन को इमिट करती हैं। अब रेडिएशन इमिट का जो फैक्टर है ये डिपेंड करता है कि रेडिएशन जो इमिट होती है किसी बॉडी से तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो हम आपको बताते हैं कि रेट एट विच रेडिएशंस आर इमिटेड फ्रॉम अ बॉडी डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। हम यहाँ पे कुछ आपको फैक्टर बता रहे हैं कि जिन पे रेडिएशन जो किसी बॉडी से इमिट होती हैं तो वो इन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहला जो हमने बताया है वो कलर एंड टेक्स्चर होता है ऑफ सरफस, यानी सरफस का कलर कैसा है, उसकी जो साखत है वो कैसी है, यानी टेक्सचर का मतलब ही है। सरफस टेम्परेचर दूसरा मेथड है कि सरफस टेम्परेचर दूसरा यानी कि इसका तरीकाकार है, मेथड नहीं तरीकाकार है कि सरफस टेम्परेचर। अब सरफस का टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है ये भी है। और तीसरा जो तरीका है वो है कि सरफस एरिया, यानी तीसरा फैक्टर इसका क्या है कि सरफस एरिया, कि सरफस का एरिया कम है या ज़्यादा है। तो अब हम इनको डिटेल में जो है वो डिस्कस करते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जो फैक्टर पहला है कलर एंड टेक्सचर। अब कोई कलर किसी बॉडी का किस टाइप का है, यानी वो ब्लैक कलर है या उसका वाइट कलर है, तो जो वाइट कलर्स होते हैं ये आमतौर पर इमिटर और अब्जॉर्बर जो होते हैं वो बैड होते हैं, जबकि अगर ब्लैक बॉडीज को देखा जाए तो ये गुड अब्जॉर्बर होती हैं और गुड ही इमिटर होती हैं। यानी कोई बॉडी जितना रेडिएशन को जज़ब करने की सलाहियत ज़्यादा रखती है वो रेडिएशन को इमिट करने की सलाहियत भी उतनी ज़्यादा रखती है, और जो बॉडी रेडिएशन को जज़ब करने की सलाहियत कम रखती है वो रेडिएशन को इमिट करने की सलाहियत भी कम रखती है। तो इस तरह से कलर एंड टेक्सचर जो होता है ये यानी कि कलर एंड टेक्सचर ऑफ अ सरफेस जो है ये रेट ऑफ रेडिएशन जो होता है इस पर डिपेंड करता है। यानी अगर हमारे पास कलर ब्लैक है तो ये ज़्यादा इमिटर ज़्यादा ऑब्जर्वर होगा, इंस्टेड अगर वाइट सरफेस है उसके। इसी तरह से अगर सरफेस टेम्परेचर की हम बात करें, एक सरफेस है उसका टेम्परेचर 25 सेल्सियस है, एक सरफेस है उसका टेम्परेचर 50 सेल्सियस है, यानी सरफेस का टेम्परेचर के कम ज़्यादा होने से भी फर्क पड़ता है। अब अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तो इसका मतलब रेडिएशन को क्या करेगी, वो रेडिएशन को इमिट करेगी। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर कम है तो इसका मतलब रेडिएशन को क्या करेगी, वो रेडिएशन को जज़ब करेगी। अब रेडिएशन को जब कोई बॉडी रेडिएशन को इमिट करती है, जब कोई बॉडी रेडिएशन को खारिज करती है तो उसी टाइम वो रेडिएशन को जज़ब भी कर रही होती है। अब अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर जैसे मैं बता रहा था कि अगर फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल टेम्परेचर हमारे पास रूम का हम लगा लें कि 25 सेल्सियस है और किसी बॉडी का टेम्परेचर अगर 50 सेल्सियस है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब रेडिएशन को क्या करेगी, ये रेडिएशन को खारिज करेगी, ये रेडिएशन को इमिट करेगी। और कब तक इमिट करती रहेगी, जब इसका टेम्परेचर इस रूम के टेम्परेचर के बराबर नहीं हो जाता। जब इसका टेम्परेचर रूम के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा तो फिर रेडिएशन को इमिट नहीं करेगी। अब अगर इसका टेम्परेचर किसी कोई बॉडी और हम लगा लेते हैं और उसका टेम्परेचर हमारे पास था जी हम लगा ले 20 सेल्सियस टेम्परेचर था, तो अब क्या होगा, अब रूम का टेम्परेचर 25 सेल्सियस है
और इसका टेम्परेचर क्या है 20 सेल्सियस है, तो इसका मतलब ये रेडिएशन को क्या करेगी, ये रेडिएशन को जजब करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर रूम के टेम्परेचर से हाई होता है तो वो क्या करेगी, वो रेडिएशन को इमिट करेगी। कब तक इमिट करेगी, जब तक उसका टेम्परेचर रूम के टेम्परेचर के बराबर नहीं हो जाता, रूम के टेम्परेचर के इक्वल नहीं हो जाता। और इसी तरह से अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर रूम के टेम्परेचर से कम है तो वो क्या करेगी, वो रेडिएशन को अब्सॉर्ब करेगी। यानी कोई बॉडी कब रेडिएशन को इमिट करती है, कब अब्सॉर्ब करती है, ये बात आपको समझ आ गई होगी कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर अपने सराउंडिंग से, सराउंडिंग के टेम्परेचर से जो है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब रेडिएशन को क्या करेगी, वो रेडिएशन को इमिट करेगी। और अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से कम है तो इसका मतलब रेडिएशन को क्या करती है, वो रेडिएशन को अब्सॉर्ब करती है। आपका रूम की दीवारें हैं या रूफ है या फ्लोर है, यानी छत, दीवारें, फर्श, जितनी भी चीजें हैं, ये सारी की सारी बॉडी जो होती हैं वो रेडिएशन को क्या कर रही होती हैं, वो रेडिएशन को इमिट कर रही होती हैं। यानी इंसानी बॉडी से लेकर रूम की दीवारें, छतें, फर्श, जितनी भी चीजें हैं, ये तमाम की तमाम रेडिएशन को क्या करती हैं, इमिट करती हैं। और कब इमिट करती हैं, कब ऑब्जर्व करती हैं, ये भी मैंने आपको बताया। और कौन सी बॉडी रेडिएशन को इमिट करती है, कौन सी बॉडी रेडिएशन को ऑब्जर्व करती है, ये भी हमने आपको बताया। सरफेस टेम्परेचर के बाद हम थर्ड जो इसका फैक्टर है रेट ऑफ रेडिएशन का डिपेंड जिस पे करता है, वो है सरफेस एरिया। अब अगर आपने देखा हो कि अगर एक चाय के कप के अंदर आपने चाय डाली हुई है और एक आपने फ्रिज के अंदर चाय जो है वो डाली हुई है, तो आप देखेंगे जब आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया है तो इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या होगा, तेज होगा, जिस वजह से चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। तो यानी कि सरफेस एरिया पे भी रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है वो डिपेंड करता है। और इसी तरह से रेडिएशन का जो फैक्टर रेट ऑफ रेडिएशन है वो भी डिपेंड करता होता है सरफेस एरिया पे। अगर सरफेस एरिया हम ज्यादा कर देंगे तो रेट ऑफ रेडिएशन जो इमिट करती हैं वो ज्यादा हो जाता है, और अगर हम सरफेस एरिया कम कर देंगे तो रेट ऑफ रेडिएशन जो इमिटेड होती हैं या इमिट होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। यानी सरफेस एरिया पे भी जो रेडिएशन किसी बॉडी से इमिट होती हैं वो उस पर भी डिपेंड करता होता है कि सरफेस एरिया ज्यादा होने से रेट बढ़ जाता है और सरफेस एरिया कम होने से रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहां पर हमारे पास एक चाय का कप है, तो अगर आपका चाय पीने को दिल कर रहा है तो नीचे कमेंट्स में आप मुझे बताएं, तो ये चाय का कप कब तक ठंडा होता रहेगा। आप देखिए यहाँ से ये स्टीम निकलती हुई आपको नजर आ रही होगी, तो ये चाय का कप कब तक ठंडा होता रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो में आगे चल के मैं देता हूँ। तो आप तब तक देखें कि इससे कब तक ऐसे हीट निकल रही है। तो बेसिकली हमारे रूम का टेम्परेचर से ये टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, और इसका आंसर मजीद मैं आगे चल के वीडियो में देता हूँ। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाई हीट रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर ट्रांसफर। अब हीट जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है तो रेडिएशन के प्रोसेस में उसने पूछा है कि हमें मटेरियल मीडियम की जरूरत क्यों नहीं पड़ती। अब रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें हमने बोला था आपको कि हीट रेडिएशन जो होती हैं ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम ऐसी वेव को कहते हैं जिनके गुजरने के लिए किसी मटेरियल, किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, तो ऐसी वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। और बेसिकली हीट रेडिएशन जो होती हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी इनके लिए गुजरने के लिए किसी मटेरियल, किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए जो है हीट रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर ट्रांसफर और फॉर देयर प्रोपगेशन, इनके गुजरने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाई डज अ कप ऑफ हॉट टी बिकम कोल्ड आफ्टर सम टाइम। ये चाय का गर्म कप आपके सामने जैसे कि मैंने दिखाया था कि इसमें से कैसे स्टीम निकल रही है, तो अभी भी थोड़ी थोड़ी स्टीम इसमें से निकल रही है। तो ये चाय का कप जो होता है, जब आप एक गर्म गर्म चाय का कप जो आपके हाथ में होता है और आप इंतजार कर रहे हो तो कप ठंडा होगा, तो आज आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि चाय आपकी कब ठंडी होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके रूम का टेम्परेचर जो है वो चाय के टेम्परेचर से कम है, यानी चाय का टेम्परेचर ज्यादा है और रूम का टेम्परेचर जो है वो कम है, तो फिर क्या होगा, इसमें से हीट रेडिएशन जो होती हैं वो इमिट होती हैं। आपको पहले भी मैंने बताया था कि रेडिएशन जब एक बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, दूसरी बॉडी का टेम्परेचर कम है उसके सराउंडिंग का, तो रेडिएशन इमिट होती हैं। तो जब रेडिएशन इसमें से इमिट होंगी तो वो रेडिएशन इन्वायरमेंट के अंदर जाएंगी। अब कब तक इसमें से रेडिएशन निकलती रहती हैं और या कब तक ये ठंडा होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर यह है कि जब इसका टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर यानी हमारे रूम के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा तो चाय का ठंडा होने का प्रोसेस रुक जाएगा,
यानी चाय का कप कब तक ठंडा होता रहता है, जब तक इसका टेम्परेचर रूम के टेम्परेचर के बराबर नहीं हो जाता। क्योंकि जब इसका टेम्परेचर रूम के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा तो ये थर्मल एक्विलिब्रियम में चला जाता है। यानी थर्मल एक्विलिब्रियम में कैसा प्रश्न था, व्हेन देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन टू बॉडीज, अगर दो बॉडीज के दरमियान हरारत का तबादला ना हो रहा हो, हरारत ट्रांसफर ना हो रही होती हो, तो हम इसको कहते हैं कि ये थर्मल एक्विलिब्रियम में है। बॉडी किस में, थर्मल एक्विलिब्रियम में होती है तो उसको हम बोलते हैं। तो ये कंडीशन है, यानी जब के चाय का कप जो है कब तक ठंडा होता रहता है, जब तक इसका टेम्परेचर रूम के टेम्परेचर के बराबर नहीं हो जाता तब तक ये इसका ठंडा होने का प्रोसेस जारी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाई डज ग्लास ऑफ चिल्ड वाटर बिकम हॉट आफ्टर सम टाइम, कि एक यक ठंडा पानी का ग्लास आपने रखा हुआ है तो कुछ टाइम के बाद वो गर्म क्यों हो जाता है। इसकी रीजन ये होती है कि जब आपने एक ठंडा वाटर जो है, जैसे गर्मियों में आपने पानी का ठंडे पानी का ग्लास रखा हुआ है तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कुछ टाइम के बाद पानी जो है वो गर्म हो जाता है। उसकी रीजन ये होती है क्योंकि जब पानी का टेम्परेचर कम है तो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो जिस वजह से हीट क्या होती है, हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट प्लेस टू कूल प्लेस, हीट हमेशा गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ ट्रांसफर होती है, जिस वजह से हीट जो है अब वो ठंडा वाटर जो होगा वो हीट को क्या करेगा, जज़ब करेगा। अब वो कितनी हीट जज़ब करता रहेगा, जब तक उसका टेम्परेचर रूम के टेम्परेचर के या एनवायरमेंट के टेम्परेचर के बराबर नहीं हो जाता तब तक वो हीट को जज़ब करता रहेगा, और जब उसका टेम्परेचर रूम के टेम्परेचर यानी एनवायरमेंट के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है तो वो स्टेज होती है जिसको हम कहते हैं थर्मल एक्विलिब्रियम। तो अब वाटर जो होगा वो मजीद गर्म नहीं होगा क्योंकि दोनों साइड पे टेम्परेचर क्या हो गया, बराबर हो गया, जिसको हम थर्मल एक्विलिब्रियम का नाम दे रहे हैं। तो इस तरह से यानी एक जो यक ठंडा पानी का ग्लास होता है वो गर्म क्यों होता है और चाय आपकी कब तक ठंडी रहती है, इन क्वेश्चन के आंसर भी आपको आज मिल गए हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था रेडिएशंस, और उसके बाद हमने रेडिएशंस के हवाले से आपको रेट ऑफ रेडिएशन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ये भी बताया, और साथ में हमने वेव के बारे में कुछ आपको बताने की कोशिश की है, और उसके बाद जो क्वेश्चंस थे उनको आंसर किया हमने। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।